हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आज मैं बना रही हूं चीज़ सैंडविच। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मिक्सिंग बोल में कटी हुई शिमला मिर्च ले लें। शिमला मिर्च बारीक कटी हुई होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे बॉइल्ड कॉर्न्स, बारीक कटा हुआ टमाटर और इसमें ऐड कर लेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर लें और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। नमक इसमें अच्छे से घुलना चाहिए, तो मिक्सिंग आप ध्यान से करें। जैसे ही मिक्सिंग हो जाती है, तीन ब्रेड की स्लाइसेस ले लेंगे। मैं यहाँ ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस पर लगा देंगे बटर और जितनी भी सब्ज़ियाँ हमने अभी मिक्स करके रखी हैं वो सब्ज़ियाँ इस ब्रेड के ऊपर डाल देंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने सब्ज़ियाँ ऐड की हैं आप वही सब्ज़ियाँ ऐड करें। और इसके ऊपर डाल देंगे प्रोसेस्ड चीज़। प्रोसेस्ड चीज़ की जगह आप मोज़रेला चीज़ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं या दोनों को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे कुटी हुई काली मिर्च इस तरह से। साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे चिली फ्लेक्स। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप चिली फ्लेक्स ना इस्तेमाल करें। ओरिगैनो डाल देंगे। इसके बाद ले लेंगे टमेटो केचप और ये जो दूसरा ब्रेड का स्लाइस है इसके ऊपर केचप लगा देंगे इस तरह से। केचप के बदले आप इसमें बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है। मैं दोनों तरफ इसमें केचप यूज़ कर रही हूँ। और इसके ऊपर दोबारा से सब्ज़ियाँ डाल देंगे और इसमें ऐड कर लेंगे चीज़। मैं यहाँ प्रोसेस्ड चीज़ ही यूज़ कर रही हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है। इसी के साथ इसमें ऐड कर लेंगे कुटी हुई काली मिर्च, चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो। और ये जो बची हुई तीसरी ब्रेड की स्लाइस है इस पर मैं लगा रही हूँ बटर। पहली और तीसरी ब्रेड की स्लाइस पर मैंने बटर लगाया है और बीच वाली ब्रेड की स्लाइस पर मैंने टमेटो केचप यूज़ किया है। आप चाहें तो सिर्फ बटर या सिर्फ टमेटो केचप ही यूज़ कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है। सैंडविच तैयार है, अब इसे सैंडविच मेकर में डाल देंगे। सबसे पहले सैंडविच मेकर को ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। ग्रीस करने के लिए मैं बटर यूज़ कर रही हूँ। इसे दोनों तरफ से ग्रीस कर लेंगे ताकि ब्रेड इसमें चिपके ना। अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आप तवे पर भी सैंडविच बना सकते हैं। आप तवे को अच्छे से ग्रीस करके सैंडविच को तवे के ऊपर रख लें और दोनों तरफ से अच्छे से पका लें। अगर आप तवे पर सैंडविच बना रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ दो ब्रेड का ही इस्तेमाल करें। मैंने दोनों सैंडविच सैंडविच मेकर में रख दिए हैं और इसे स्विच ऑन कर लिया है। थोड़ी ही देर में ये तैयार हो जाएंगे। हमारे यमी चीज़ी सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब इन्हें सैंडविच मेकर से बाहर निकाल देंगे। इन्हें बाहर निकालने के लिए मैं स्पून और टर्नर की हेल्प ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है अभी। इस तरह से इसे बाहर निकाल देंगे और इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये ट्रायंगल शेप में आ जाएंगे। यमी और चीज़ी सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। ये रेसिपी खासकर बच्चों की बहुत फेवरेट होती है क्योंकि हमने इसमें चीज़ यूज़ किया है और चीज़ बच्चों का फेवरेट होता है। चीज़ के साथ हमने इसमें सब्जियां भी ऐड की हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। आप ये रेसिपी ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, स्नैक्स में बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है और बहुत ही यमी रेसिपी है। तो आप ये चीज़ी और यमी सैंडविच ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।